कि 28 मार्च 2005 के पूर्व जो विज्ञापित पद हैं उनमें जो है पुरानी पेंशन के लिए शासनादेश जारी कर दिए गए, विकल्प मांग लिए गए। हताश हैं, न निराश हैं, न थके हैं, न हारे हैं। हमें अपने संघर्ष पर, अपने शिक्षकों के एकता पर हमें गर्व है। करेंगे तदर्थ शिक्षक, दो दो महीने उनका धरना चला, आपने पुरजोर कोशिश की, आपकी वो तारीफ करते हैं। काफ़ी कुछ एक आंशिक सफलता मिली है जैसा लग रहा, बाहर अभी कुछ निकल के फिलहाल अभी नहीं आया, उनके लिए क्या हो रहा है? सरकार के वो सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका खारिज हो गई। 9 नवंबर 2023 का आदेश स्टे हो गया, डबल बेंच ने स्टे कर दिया। 2005 जो विज्ञापित पद कहा जाता है, 2005 के पहले विज्ञापित पद थे, बाद में उनका चयन हुआ, लेकिन कुछ इसी नेचर के और भी शिक्षक आपके हैं, उनका आपने सदन में मामला उठाया था, उसके बाद मुख्यमंत्री से स्पेशल जाके मिले भी थे, नाम मैं लूँगा चूँकि मित्र शाम विषय विशेषज्ञ जैसे मैं कह रहा हूँ सर, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि मुख्यमंत्री से क्या आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री शिक्षा जगत के लिए 2023 और 2024 का शैक्षणिक सत्र जो रहा बहुत से बदलाव का रहा, इन वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। जो खोया था शिक्षकों के संघर्ष से हमको मिला कुछ, अब बहुत कुछ अभी पाना है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय धर्मनगरी अयोध्या में हैं शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। सर अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। सर प्रथम हम इस धर्म की नगरी अयोध्या में जी जो सम्मानित आपका चैनल है जी अयोध्या दर्पण जी, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका यह चैनल जो है वह है इस प्रदेश नहीं देश में माना जाना चैनल के रूप में लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाए। सर एक यहाँ की एक विशेषता है अयोध्या की कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति तो यहाँ पर आध्यात्मिक हो जाता है, और यहाँ पर जो बोलता है वो शायद जैसे गीता पर हाथ रख के बोला जाता है वहाँ पर कोर्ट में, उसी तरह से ये धर्मनगरी है। और अपेक्षा करता हूँ कि बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ देना अभी बाकी है। तीन विषय रहे हैं, पहली चीज़ तो धारा 21 और 18 का जो है अभी उस पर ग्रहण लग गया, उसके बाद तदर्थ शिक्षकों की बात आ गई, उसके बाद अभी पुरानी पेंशन। तो पुरानी पेंशन पर तो आपका संघर्ष रंग लाया है, 2005 के पहले जो विज्ञापित पद थे उनको शासन ने घोषणा किया, शायद शासनादेश भी जारी हो गया, लेकिन यही दो मांगें जो है वो चल रही हैं। कुछ विचित्र है, एक माध्यमिक की व्यवस्था भी ऐसी है कि यहाँ पर नियमावली ही कुछ उलझी हुई है, समय पर आपके संघर्षों से शासनादेश जारी हो गए लेकिन उसका कोई सही ढंग से उसका संवैधानिक एक प्रारूप नहीं तैयार किया गया। क्या समस्या आज को लगती है आपके, आपको लगता है कि जो आपको मिला है क्या मिलना बाकी है, आगे आपकी रणनीति क्या है? देखिए दुखद परिस्थितियां यह आ जाती हैं कि राज करने वाले लोग जब सत्ता में होते हैं जी तो शिक्षा को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं जी और उसी का परिणाम रहा के प्राथमिक से लेकर के डिग्री कॉलेज तक के माइनॉरिटी संस्थाओं से लेकर के आईटीआई के अनुदेशकों तक की नियुक्ति का एक जो है एक नया नाम दिया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और दुर्भाग्य है कि साल भर के बाद भी बीत जाने के बाद ये अध्यक्ष तक की अपनी नियुक्ति नहीं कर पाए जी। और जहाँ तक धारा 21 12 18 की बात है जी अभी तक उन्होंने उस चयन आयोग की सेवा नियमावली में दंड और जांच का कोई प्राविधान अभी तक नहीं किया जी। दंड और जांच के का प्राविधान जब किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि हमारी सेवा सुरक्षा का क्या इन्होंने व्यवस्था किया है, और यदि हमारे पुरानी सेवा सुरक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 के धारा 21 के अनुसार नहीं होगा तो अयोध्या के तो महान लोग हैं, उन्होंने वह परिवर्तन कर दिया कि जिसको पूरी
ये पूरा देश को कौन कहे, पूरी दुनिया देखी समझी, तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी प्रलब्धियों को बचाने के लिए संकल्पित हैं। और मैं आपको महोदय यह बताना चाहता हूँ कि हमने जो भी प्राप्त किया, मतलब प्रदेश का शिक्षक जो भी प्राप्त किया, वह किसी भी राज करने वाले वाली पार्टी के सरकार की कृपा से नहीं पाए। हमने संघर्ष करके प्राप्त किया। जहाँ सरकार शिथिल हुई, वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से जा करके वह हम लोगों ने सरकार को बाध्य किया कि उस पर अमल करें, जिसका परिणाम यह है कि 28 मार्च 2005 के पूर्व जो विज्ञापित पद है उनमें जो है पुरानी पेंशन के लिए शासनादेश जारी कर दिए गए, विकल्प मांग लिए गए, कार्रवाई संचालित है। और मैं बताऊं, इसमें सबसे अधिक जो लाभान्वित हुए उसमें 2/3 के लगभग शिक्षक हैं, 1/3 में सब लोग हैं और 2/3 में शिक्षक हैं। तो जो हमारे आप तदर्थ शिक्षकों की बात किए, तो अब तो एक शुरुआत हुई है। जी, एक शुरुआत हुई है, देखिए आगे होता क्या है। लेकिन यह है, मानिए कि न हम तो हताश हैं, न निराश हैं, न थके हैं, न हारे हैं। हमें अपने संघर्ष पर, अपने शिक्षकों की एकता पर हमें गर्व है, और हम उसे अपने शिक्षकों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को प्रदान कराने के लिए हम सीधा संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं। और यदि सरकार इस पर विचार नहीं की, जबकि मैं कहूँगा कि भाजपा शासित तमाम राज्यों में भी उस पर यह लागू किया गया है और तो अन्य लोग भी विचार कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार बाध्य होकर के उसे लागू करेगी, नहीं तो तमाम घटनाएं देश के राजतंत्र में, लोकतंत्र में होते रहते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल में जो है राजतंत्र ख़त्म होकर के लोकतंत्र हुआ। अभी आपके बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान में तख्ता पलट आए दिन होता रहता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है जब इस प्रदेश का युवक और बुद्धिजीवी और शिक्षक जब कमर कस लेगा तो सरकार को मानने को कौन कहे, और कुछ हो सकता है जिसका उल्लेख आज किया जाना कोई बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश के जो 70% 75% शिक्षा प्रदान करते हैं, जिन विद्यालयों की संख्या जो है वह 26,000 के लगभग है, उनके शिक्षकों के सेवा नियमावली तक नहीं बनी, समान काम के लिए समान वेतन देश के न्यायालयों ने आदेश दिया, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समान कार्य के लिए समान अधिकार होना चाहिए, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार में भी समानता का अधिकार का उल्लेख है, लेकिन फिर भी इस शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को, जो गरीब परिवार के बच्चे के भविष्य को सुधारने का एक जो मंच है, एक संस्थान है, सरकारें वह उन गरीब परिवारों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए शिक्षा का माध्यम न बना करके 5 किलो अनाज का माध्यम बनाती हैं, विधवा पेंशन और किसान सम्मान निधि की बात करती हैं, ये हास्यास्पद लगता है। सर, कुछ मित्र भी शाम को फ़ोन भी करेंगे, तदर्थ शिक्षक, 2-2 महीने इनका धरना चला, आपने पुरजोर कोशिश की, आपकी वो तारीफ़ करते हैं, काफ़ी कुछ एक आंशिक सफलता मिली है जैसा लग रहा, बाहर अभी कुछ निकल के फिलहाल भी नहीं आया, उनके लिए क्या हो रहा है? अभी सदन जो सत्र, मानसून सत्र विदित हुआ हो, उसमें हमने कहा कि इस देश की जो व्यवस्था है, एक
व्यवस्थापिका है जिसमें हम लोग आते हैं, सदन में हमने कहा। दूसरी यहाँ के बनाए हुए कानून का अनुपालन कार्यपालिका करती है और इस कानून को न मानने वाले को दंड की का प्राविधान जो है, दंड देने का या उसको कानूनन मनवाने का कार्य जो है वो न्यायपालिका करती है। चाहे जितने भी आदेश हुए हों, चाहे वह 2020 का आदेश हो जिसमें तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए या तदर्थवाद खत्म करने के लिए कहा गया हो, जिसके अनुपालन में इस प्रदेश की सरकार ने, अब धर्म की नगरी में मुझे कहना पड़ रहा है कि धनतेरस के दिन जो है 2000 परिवारों के जलते दीपक को बुझा दिया गया। लेकिन एक चीज है, अब उसको भी माननीय न्यायालय ने रोक दिया है, जो 2000 से लेकर के पीछे जो 1993 तक 6 अगस्त 1993 से लेकर के 2000 तक के सिक्के सरकार के सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका खारिज हो गई। 9 नवंबर 2023 का आदेश स्टे हो गया, डबल बेंच ने स्टे कर दिया। एक पार्ट ऐसे भी थे उस आदेश में जो 2020 का शासना जो कोर्ट का आदेश हुआ उसमें ऐसे भी शिक्षक थे कि जिनको वेतन ही नहीं मिला, जो तदर्थ के शिक्षक थे उनका जो 25,000-30,000 का वो किया अव्यवहारिक जो व्यवस्था किया उसमें भी उनका नाम नहीं है। अब स्थिति यह है कि रीट जो है वह संचालित हुई धारा 16E11 के अंतर्गत, लेकिन इस प्रदेश के अधिकारियों ने उत्कोच के सहारे 12 महीने का वेतन देते रहे। कोर्ट ने कहा भारांक दीजिए, किसी जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रमाण पत्र नहीं दिया कि ये 16E11 के तहत नियुक्त हुए, उनका चयन नहीं हुआ। 12 अंक पाते तो 70-75% शिक्षक अपने आप चयनित हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं है, लेकिन यह है कि सदन में मैंने एक तरह से जिस तरह से मैंने उठाया उस पर पीठ ने आदेश किया कि नेता सदन एक बैठक बुला करके इन सब समस्याओं का समाधान करें, जिसमें शिक्षक क्षेत्र के, स्नातक क्षेत्र के विधायक सब रहेंगे। तो एक शुरुआत होने जा रही है, मुझे उम्मीद है कि सरकार यदि नहीं करेगी और नहीं करेगी तो अयोध्या जैसा परिणाम जो है वह भुगतने के लिए अपने को तैयार रहे, क्योंकि आदमी सबसे समझौता कर सकता है लेकिन अपने पेट से समझौता नहीं कर सकता है। यह हम रोटी बेटी का संबंध है, हमने 20 साल सेवा किया तदर्थ के रूप में। लोकतंत्र में तदर्थवाद खत्म होने के लिए तमाम बार शासनादेश हुए, लोग विनमित हुए। आखिर क्यों हट किए हुए गवर्नमेंट, जबकि चयन बोर्ड में पद हैं, अलग से कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं करनी है और पूरा सरकार जो चाहे तो क्या नहीं कर डाले। अब अनौपचारिक बात हमने आपसे पहले कहा कि जब तक इस प्रदेश का बुद्धिजीवी समाजसेवी शिक्षाविद शिक्षक बेरोजगार लोग युवक नौजुवक जब तक राज करने की मंशा लेकर के वोट मांगने वालों से नहीं कहेंगे कि हमारे परिवार के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजुवकों बेटों के बेटियों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, जब तक लोकतंत्र में यह प्राथमिकता नहीं होगी। प्राथमिकता या कारण क्या है, यह यहाँ तो जाति की प्राथमिकता है, धर्म की प्राथमिकता है, हिंदू मुसलमान की प्राथमिकता है, तो इसमें शिक्षा जब उनकी प्राथमिकता में यह आता ही नहीं, यह डिमांड ही नहीं होती है, तो उनकी प्राथमिकता हो कैसे।
इसलिए वह करते नहीं। और जिस दिन यह प्राथमिकता हो जाएगी तो मैं आपसे बड़े अदब और बड़े विनम्र भाव से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 2005 जो विज्ञापित पद कहा जाता है, 2005 के पहले विज्ञापित पद थे, बाद में उनका चयन हुआ, लेकिन कुछ इसी नेचर के और भी शिक्षक आपके हैं। उनका आपने सदन में मामला उठाया था, उसके बाद मुख्यमंत्री से स्पेशल जाके मिले भी थे, नाम मैं लूँगा चूँकि मित्र शाम विषय विशेषज्ञ जैसे मैं कह रहा हूँ सर, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि मुख्यमंत्री से क्या आश्वासन मिला। मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया जी, और मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहानुभूतिपूर्वक वार्ता किया और उनमें उन्होंने कहा कि हम दिखवाते हैं। तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कहना हम अपनी सफलता मानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो शासनादेश हुआ है जून 2024 की, उस शासनादेश में यह व्यवस्था है विज्ञापन की तिथि तय है जी कि 28 मार्च 2005 के पूर्व जो विज्ञापित पद हैं जी जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है वो पुरानी पेंशन से लाभान्वित होंगे। और मैं आपको बताऊं कि यह विज्ञापन निदेशालय स्तर से जारी हुई जी। अब जो बेरोजगार है वह क्या जाने पद है कि नहीं पद है, वह कौन सा पद है, संविदा है या स्थायी है कि आउटसोर्सिंग है जी। वो तो हुआ और अपर निदेशक माध्यमिक के नेतृत्व में उनके देखरेख में सबकी नियुक्ति ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर से हुई। अब उनका अधिकार है, उनको पाना है। मैंने 4 दिन पहले सदन में भी आपने हमने उठाया उसको उठाया। सरकार ने पीठ से आदेश हुआ कि इसका वो जो है उसे बैठक में सम्मिलित करके इस पर निदान करें, इसका निस्तारण करें जी। तो मुझे विश्वास है, मैंने आपसे बड़े अदब से कहा था ना कि हम अपने संघर्ष पर विश्वास करते हैं, हम अपने शिक्षकों की एकता पर विश्वास करते हैं और जो भी हमारी प्रलब्धि है इसी दोनों के बल पर मिली है। और नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि हमारे हौसले बुलंद हैं जी। हम होंगे कामयाब एक दिन, बिल्कुल बिल्कुल हम होंगे कामयाब एक दिन। आप हैं त्रिपाठी जी शिक्षक विधायक, और जैसा आपने कहा कि संघर्ष से ही हमको सब कुछ मिलता है और संघर्ष का ही ये ताकत है कि 3 वर्षों में काफ़ी जो ये के कह सकते हैं भूचाल आ गया था शिक्षा जगत में, काफ़ी हद तक उसको आपने संभाला और बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिलना बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में इन शिक्षकों का ध्यान देगी और बाकी तो जितनी समस्या है आप विधायक जी के सामने मैंने रखा, निश्चित रूप से इसका निदान होगा, यही अपेक्षा हम भी करते हैं। ढेर सारा धन्यवाद आपको।